आराम से आराम से आराम से अरे कोई बात नहीं चल कोई नहीं आराम ना आराम ना ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हम हमारा अभी देश आजाद हो गया कि गुलाम हो गया ये तो डेमोक्रेसी का खत्म कर रहे हो हमारे देश की लेकिन ये पुलिस का वो टीरा देख ही रहे हो कि हम हिमाचल में आएंगे भी गल तुसी ठीक कीती है जनता की ताकत सब तो वड्डी हुंदी है पर जेड़ा साडे देश दा प्रधानमंत्री है वो अज इस जनता की गल सुन नूं तैयार नहीं जिन्होंने उन्होंने तख्त ते बिठाया है ये हुण इलैक्टेड प्रधानमंत्री नहीं रह गया तुसी जुड़ चुके हो TVNRI दे नाल ते मैं हाँ इंद्रजीत सिंह चाल किसानी संघर्ष वख-वख दिल्ली दियां हाथां दे उपर तकरीबन 2 महीने तो चलता पिया है इस संघर्ष दौरान लोगों नूं फिरोजपुर के कुछ नौजवान जागरूक करते पे सी भारत दियां वख-वख स्टेटां दे विच उत्थों दियां राजधानियां दे विच आके यूपी दे विच इन्हां वल्लों जागरूक किया गया दिल्ली दे विच तां जागरूक किया गया और होर भी स्टेटां दे विच जागरूक किया गया इस तरह हिमाचल की राजधानी शिमला दे विच इन्हां वल्लों जिहड़ा किसानी अंदोलन के बारे जागरूक किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि जिहड़े किसानी अंदोलन कर रहे ने किसान वो किसान ने कोई देश विरोधी संस्था के आगू नहीं है देश विरोधी नहीं है इस लैके शिमला दे विच इन्हां दे उपर वख-वख धरावां दे तहत मामला दर्ज हुंदा है ते हुण इन्हां ने सिंघू बार्डर पहुँचे ने ते जो मनुखी अधिकारां दी उलंघना हो रही है भारत विच खास करके दिल्ली दियां हद्दां दे उपर उस नूं लैके इन्हां ने संयुक्त राष्ट्र नूं चिट्ठी लिखी है ते अमरीकी राष्ट्रपति नूं चिट्ठी लिखी है इन्हां नाल गलबात करदे हां पहला शिमला दे विच तुहाडा जदों तुसीं उत्थे प्रदर्शन करदे सी तुहाडे उत्ते मामला दर्ज हुंदा है हुण तुसीं संयुक्त राष्ट्र नूं चिट्ठी लिखी है पहला चिट्ठी बारे दसो कि उस चिट्ठी दे विच की लिखिया गया किहड़े माध्यम राहीं तुसीं उह चिट्ठी संयुक्त राष्ट्र नूं भेजी है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह मेरा नाम हरप्रीत सिंह है तो ये जी चिट्ठी है जी ये इस अंदोलन नूं लैके लिखी गई है क्योंकि इस अंदोलन नूं चलदे हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं जिहड़ा एक शांतमई अंदोलन है तो डिसिपलिन में चल रहा है साडियां सरकारां इस अंदोलन नूं दी कोई भी गल सुन नूं तैयार नहीं क्योंकि असीं सारे देशवासी जानते हैं कि ये जिहड़े 3 काले कानून है ये साडे ते धक्के नाल थोपे गए हैं जिन्हां दी कोई चर्चा पार्लियामेंट राज्यसभा च नहीं हुई ये ऑर्डीनेंस राही साडे ते थोपे गए हैं असीं इस चिट्ठी दे राहीं ये चिट्ठी लिखण दी लोड़ क्यों पई क्योंकि मेरी 42 साल उम्र है मैं अज तक किसी नूं लैटर नहीं लिखिया पहला लैटर मैं मोदी दे मदर जी नूं लिखिया सी उदों बाद दूजा लैटर ये मैं जिहड़ा UNO ते अपने अमेरिका दे राष्ट्रपति नूं लिखिया है क्योंकि साडियां सरकारां साडे किसानां दी गल सुणन नूं तैयार नहीं 6 महीनों तो शांतमई अंदोलन साडे किसान पूरे देश दे किसान कर रहे ने जिहड़ा कि अंदोलन है जन अंदोलन है कर रहे ने तो सरकारां साडी गल सुणन नूं तैयार नहीं जिहड़ियां साडे इस 3 काले कानूनां दे विरोध विच असीं अंदोलन कर रहे हां उन्हां प्रति गंभीर नहीं तो असीं सोचिया कि जदों साडे देश विच साडे लई सारे रस्ते बंद हो चुके है ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ RS ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਕਿਸਾਨ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ
अज मावां उन्हां दियां तड़परियां ने रो रहियां ने। असी इस चिट्ठी दे जरिए यूएन नूं गुहार लाई है कि इस देश विच अज साडी कोई सुनवाई नहीं हो रही, लोकतंत्र दा घाण कीता जा रहा है, तो सानू इत्थे गुलामां वांगू रहण लई असी मजबूर हाँ। तो मैं देशवासी ते दुनिया नूं ये हाथ जोड़ के अपील करदा है कि जिहड़ी मेरी ये चिट्ठी है ये पूरे देश दे किसानां दा दर्द है, तो असी ये दर्द यूएन नूं ते देश अपने अमेरिका दे राष्ट्रपति नूं अपना दसन की कोशिश की है जी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला भी कहा कि जो कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि प्रधानमंत्री जिहड़ा अंदोलन चलता है भारत में उन्होंने खत्म करने लिए कदम चुकन, उस तो बाद भारत सरकार का बयान आता है कि जिहड़े होर देश ने वो साडे अंदरूनी मामलों के दखल ना देन। हुण तुसीं अमरीकी राष्ट्रपति नूं चिट्ठी लिख दित्ती गई है, एक विरोधी देश है अमरीकी राष्ट्रपति, दुनिया का एक देश है, उस नूं चिट्ठी लिखण दा तुहाडा की मंतव हैगा? क्योंकि यूएन नूं तो चलो तुसीं चिट्ठी लिख के भी मनुखी अधिकारां दी इत्थे उलंघना हो रही है, पर अमरीका दे इहदे विच की रोल है, उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी है? देखो जिहड़ा अमरीका देश है उत्थों दा राष्ट्रपति है वह दुनिया का सब तो पावरफुल राष्ट्रपति है, उहदे वल्लों कोई भी गल कही जाती है तो दुनिया सुनती है। साडे डिप्लोमैटिक रिलेशन जो हैगे ने साडे देश दे अमेरिका नाल बहुत चंगे ने, ते ओ जिहड़े राष्ट्रपति अमेरिका दे ने ओ इहदे विच अगर इंटरवीन करनगे, इहदे विच कोई गल्लबात करनगे साडे देश नाल, तां ओ बिल्कुल ये सारी दुनिया जानती है कि मोदी जी उन्हां दी गल एक कॉल ते जिहड़े तीन काले कानून रद्द हो सकदे, क्योंकि ये जिहड़े प्रधानमंत्री सानू तो कीड़े मकौड़े समझते हैं, सानू आपदे देश दे नागरिक नहीं समझते, वो एक किसानां नूं दरकिनार कर चुके पूंजीपतियां दे कहण ते। पर जे अगर राष्ट्रपति अमेरिका दे कोई भी उन्हां नूं गल कहणगे तो गल सुनी जाएगी तो उहदे ते अमल करनगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ इस जनता की गल सुन तैयार नहीं, जिन्होंने उन्होंने तख्ते बिठाया है, ये हुण इलैक्टेड प्रधानमंत्री नहीं रह गया, वो साढ़े ते डिक्टेटरशिप कर रहा है, साढ़े ते जिहड़ा हैगा डेमोक्रेसी उन्होंने खत्म कर दिता है, वो जो कानून साढ़े ते थोपना चाहते ने थोप देंदे ने, ते साड़ी किते सुनवाई नहीं हो रही। तो जिहड़े तगड़े लोग होंदे ने जिहड़ी तगड़ियां सरकारां होंदियां ने उन्होंने डिप्लोमैटिक करके साडे देश दियां कई मजबूरियां ने कि वो उन्होंने देश के दे प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रपति की अगर वो गल करनगे गलबात तरीके साडा मसला सॉल्व करा सकते ने, ये कोई एवें खत नहीं लिखा गया, ये पिछे साडा एक बहुत साढ़े जिहड़ा हैगा परमात्मा जिहड़े गुरुआं दा साढ़े आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद नाल साडी एक समझ बनी है कि सानूं डिप्लोमैटिक ते मनुखी अधिकारां कोल जाना चाहिए, वो साडा एक फंडामेंटल राइट है कि असी उन्हां कोल जाके अपना दुख रख सकते हैं। तो वो मैनू ये उम्मीद है क्योंकि साढ़े देश में किसानों की बेशक गल नहीं सुनी जाती, पर वो जिहड़े लोग ने समझदार लोग ने वो साडी गल जरूर सुनणगे, तो इस साडे मैटर जिहड़ा किसानी दे तिन कलाई कानूनां नूं असीं विरुद्ध बैठे हाँ उहदे विच इंटरवीन करनगे, तो मैनूं उम्मीद है कि इहदे प्रति कोई ना कोई सानूं चंगा सुनेहा आएगा। सुप्रीम कोर्ट सब तो वड्डी न्यायिक जिहड़ी संस्था आ देश दी, तुहानूं उहते विश्वास नहीं, तुसीं दुनिया दी अदालत विच चल गए? देखो जी गल विश्वास ना ना विश्वास दी नहीं, जिद्दां दे फैसले आ रहे ने चाहे वह सुप्रीम कोर्ट है चाहे कोई होर कोर्टां ने उतों सानू कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, जदों सानू इंसाफ नहीं मिल रहा तो तुसी आप दसो साडे कोल होर विकल्प की बचदा, क्योंकि जदों किसानां नू करजे माफ़ी की या किसानां नू कोई सबसिडी की गल हुंदी है तो किसानां दे जिहड़ियां साडियां पार्लियामेंट दे जिहड़े नुमाइंदे ने या इकनोमिकिस्ट ने वो रौला पाउंदे है जी इन्ने लख का बोझ पै करोड़ का बोझ पै जाएगा जी इन्ने हज़ार करोड़ का बोझ पै जाएगा, पर जदों कोई इन्होंने सत्तवां जिहड़ा वेतन कमीशन इन्होंने लागू किया उहदे विच 5 लाख करोड़ का साडे देश की जिहड़ी इकोनमी उहदे ते बोझ पैणा, असीं नहीं कहिंदे वो ना देण वो देण, पर किसानां वारी रौला क्यों, जदों किसी होरां लोगों नूं दित्ते जांदे है फंड्स उदों रौला नहीं हुंदा, पर जदों किसानी की गल हुंदी है उदों रौला हुंदा, क्योंकि किसानां ते 2,45,000 करोड़ का कर्जा है, तो सरकारां उन्हों ला सकदियां पर सरकारां सानू गुलाम करना चाहुंदियां, सानू पिंडां दे विचों साडी खेतीबाड़ी छडाउणा चाहुंदियां, एक सोची समझी साजिश दे तहत साडे नाल हो रहा है,
क्योंकि साढ़े देश के प्रधानमंत्री पूंजीपतियों लिए काम कर रहे हैं तो उन्होंने द्वारा ही सरकार चलाई जा रही है तो ये देश नूं एक करना चाहते ने रंग एक करना चाहते ने यह धर्म एक करना चाहते ने साढ़े देश की खूबसूरती है विभिन्नता डायवर्सिटी जिवें एक फ्लावर के बुके च अलग अलग फुल हुंदे ने साढ़े देश की खूबसूरती है कि इत्थे साढ़े कोल अलग अलग धर्म ने जिन्हां दा असीं सत्कार करदे हां अलग अलग पहरावे ने अलग अलग खाण पान ने जिन्हां दे विच असीं बहुत आनंदमई रह रहे सी पर यह सरकार जिहड़ी है इहदे कदम वध रहे ने उस वल असीं इह कदम रोकणे ने तो उहदे लई सानूं इकट्ठा होना पएगा तो इकट्ठे होने लई मेरी जिहड़ी देशवासियों नूं भी बेनती है कि आपां इकट्ठे होईए अज ना जागे सानूं आउण वाला वक्त आउण वालियां पीढ़ियां सानूं नस्लां कदे माफ़ नहीं करनगियां थोड़ा डिटेल ना समझाओ कि ये चिट्ठी दे विच तुसी केड़े उन्हां दा गल्लां दा जिक्र कीता है कि तुहानूं लगता है कि मुखी अधिकारां दी उलंघना हो रही है कि जिहड़ियां तुसी चिट्ठियां राष्ट्रपति अमरीकी राष्ट्रपति नूं लिखियां ते यूएन नूं लिखियां वो इक्को चिट्ठी आ जां दोवां दे मैटर वख-वख ने देखो जी यूएन दा मैटर अलग है तो जी राष्ट्रपति जी अमेरिका दिन लिखी गई है जी उन्होंने मैटर अलग है ये तीन चार बिंदु है जी जिन्ह का मेन जिक्र किया गया एक तो अंदोलन बहुत लंबा हो चुका है जिदे साढ़े लोगों दहादत हो रही ने तो सरकार उन्होंने गंभीर ने उन्होंने प्रति इन्होंने दुख प्रगट नहीं किया अज तक उदो बाद लिखा गया कि इन्होंने साढ़े फंडामेंटल राइट न किमें खत्म कर दिता है वह किमें घाण किया जा रहा है साड़ी जिहड़ी सप्लाई चेन जिदे इन्होंने साढ़े खाना साडा पानी साढ़े तो होर जिहड़ियां साड़ियां जरूरी वस्तां साढ़े जीवन लई वह सारियां इन्होंने बंद कर दित्तियां उदो बाद लिखा गया कि साढ़े तो 26 तरीक नूं इन्हां ने किवें साढ़े बच्चों के शतद्दत किया साढ़े बच्चे जड़े ने वो सानू मिल नहीं रहे इन्होंने अरैसट कर दते है वो जेलों में वो मार दते है सानू उहदे बारे सरकार नहीं गंभीर उन्हां पर गंभीर नहीं गई सानू कोई क्लीयर दस्या नहीं जा रहा वो कित्थे ने क्योंकि मावां घरां दे विच उड़ीक कर रही ने वो परेशान ने माँ बाप क्यों उन्होंने बच्चे गए कित्थे उन्हां दीआं भैणां उड़ीक कर रही ने असी अज परेशान हाँ मन दे विचों दुखों दुख बहुत मन दुखी है असी चाहते हाँ कि इहदा जल्द तो जल्द हल होना चाहिए क्योंकि असी होर शादां बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि जिस घर का चिराग जिस घर का माँ बाप चला जाता है वह घर जिहड़े है सारी जिंदगी असी दोलन जित भी गए उन्हां दा असी घाटा कदे पूरा नहीं कर सकते तुहानूं डर नहीं लग्या चिट्ठी लिखण लगे क्योंकि तुहाडे ते पहलां ही शिमला च परचा दर्ज हो गया सरकारां कुछ भी कर सकदियां ने देखो जी हुण की करिए साडे कोलों घरे साडे असी तड़फदे आ घर जदों असी इत्थे देखदे आ कि साडे किसानां दे हालात की ने ते इहदे लई फिर कोई कुरबानी करनी पए उहदे लई फिर तैयार हां जसवंत सिंह खालड़ा भी साडे शहीद होए ने फिर उहनां वांगू असी भी हो जांगे जी असी सानूं इस गल दा कोई डर नहीं क्योंकि साडा इतिहास है साडा इतिहास सारे दुनिया नूं जानना चाहीदा असी तत्तियां तवियां ते बैठण वाले लोग हैं साडे बजुर्ग साडे गुरु उहनां दे बंद बंद कट्टे गए वह जिहड़े साडे गुरु दुनिया के राजे से वह कंडिया के सेजा च भी सौंदे रहे तो उन्होंने ईन नहीं मनी उन्होंने सच का होका दिता वह न्याय के खिलाफ लड़े तो सानू टीचिंग भी उन्होंने यही दतियाँ कि भाई जे अन्याय करना भी पाप है तो सहना भी पाप है तो इतने अन्याय हो रहा असी न्याय के खिलाफ खड़े हाँ तो गुरु साढ़े आशीर्वाद रखन जिनी देर जिंदगी चढ़ती कला च रहेंगे तो सच का पहरा देंगे ये दुनिया देखेगी किहड़े माध्यम राही तुसी चिट्ठी भेजी आ कोई जवाब आया वह हाले तक नहीं जी अज ही मेल की गई है तो कोरीयर की गई कोरीयर चार दिन बाद पहुँचेगा मेल पहुँच गया होना है तो असं उम्मीद करते हैं कि सानू जल्द तो जल्द है जोड़ा ये उतो चंगा स्नेह आएगा तो असं अंदोलन जितेंगे तो ये साड़िया सरकार गल कर लेंगे तो यह वो शख्स ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी है अमरीकी राष्ट्रपति ते संयुक्त राष्ट्र इन्ह के मुताबिक जी भारत के मनुखी अधिकारों की उलंघना हो रही है उस दे यूएन नू दखल देने की मंग की गई है तो जी अमरीकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है वो लिखा गया कि अमरीका सरकार भारत के उपर राजनीतिक दबाव बनावे तो इस करके क्योंकि किसानी अंदोलन का जो लगातार चल रहा उसकी आवाज़ ना अमरीकी सरकार नू ये कहा गया है कि उसकी आवाज़ जी भारत सरकार वालों नहीं सुनी जा रही उस अमरीका सरकार नू दखल देना चाहिए तो भारत के उपर राजनीतिक दबाव बनाना चाहिए इस तरह तुसी टीवी NRI के नाल बने रहो लगातार सिंघू बॉर्डर ते की हो रहा ते बाकी हद्दां ते की हो रहा तुहानू लगातार रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं।